अस्सलामुअलैकुम सतपाल मस्जिद में डॉक्टर सतपाल गाजी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 23 सितंबर, आज सऊदियों का जो है यौम वतन है, तो आज हम जा रहे हैं मदीने की तरफ। ये देखिए मदीने के रास्ते में है, ये देखिए। तो अभी तो रात हो गई है, तो कल सुबह हम मस्जिद नबी में जाएंगे, और जहाँ जहाँ भी जाएंगे हर जात में आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो जी हम पहुंच गए मदीने। तो हम रात को देर से आए थे, तो मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी थी रात का। तो चलिए देखिए, ये हम मदीने में पहुंच चुके हैं, काफ़ी अरसे के बाद, 7-8 महीने के बाद हम आए। तो ये देखिए, ये अब होटल में रहे, अब निकले हम नाश्ता करने के लिए, उसके बाद फिर हरम में जाएंगे। तो आज हमारी वो जो है परमिट भी हो गई है, तो शाम को इंशाल्लाह ताला रजुल जना भी जाएंगे ईशा के बाद। तो ये मेरे हस्बैंड। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदीना मुनव्वरा। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे, हर जगह जो भी ज़्यादा थे मदीने की हम कवर करेंगे, इंशाल्लाह जाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी तो नाश्ता हम खाते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चले चलते हैं। चले हम आए होटल में, तो मैं आपको सोच रही कि मैं मदीना की एक जगह भी आपको करवाऊँ, एक्सप्लोर कराऊँ आपको। ये है बिलाल मस्जिद के पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ आपको सारे पाकिस्तानी होटल मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से पाकिस्तानी लाहौर के होटल हैं, ये सारी वो जगह हैं। ये देखिए, ये बिलाल मस्जिद के पीछे वाली जगह है, यहाँ पे खजूरों की भी दुकान है। तो आप अगर अपने इनके लिए कोई तस्बीह या मसले सुनसे लेना चाहे तो वो भी मिल जाएंगे आपको, और आप नाश्ता वगैरह पाकिस्तानी करना चाहते हैं वो भी हो सकता है आपका आराम से। ये देखिए, अब मैं होटल के अंदर जाती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं आई हूँ मस्जिद नबी में हूँ, तो अभी हमने असर की नमाज पढ़ी है। ये देखें कितनी रश है आज, माशाल्लाह से कितनी रौनक है। तो फिर अभी मगरिब पढ़ूंगी, फिर बाहर से मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको जानते हैं। ये कुरान पढ़ी थी तो मैं अभी आई हूँ, मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ, तो प्यास लगी थी तो मैंने सोचा आप जमजम पी लूँ। ये देखिए उन्होंने क्या, अभी मगरिब में देर है, लोग सब आगे इधर बैठ गए हैं। ये देखिए, ये मेरा पहला व्लॉग जो होगा तफसीली मदीने का। ये देखिए, और ये देखिए आप भी जमजम के माशाल्लाह। ये देखिए पानी पी लिया है, मगरिब पढ़ के फिर मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं आपको और भी सारा दिखाती हूँ। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अब मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, कम से कम 7-8 महीने के बाद आई हूँ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, रमज़ान होने हो गई कि मैं आपको सुनाई भी है, तो मैं मगरिब पढ़ के फिर आपसे मिला। अभी मैं मगरिब तो पढ़ लिया, ईशा का इंतज़ार कर रही हूँ, उसके बाद मेरा जो हमारी परमिट भी मेरी हो गई है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम रियाज़ुल जन्नाह में जाऊँगी मैं। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हो जाए ईशा, तो ईशा के बाद एकदम से लाइनें बनना शुरू हो जाती हैं। वो आपके भी पेशाब जो होते हैं मदीने में रहते हैं, जो उम्रे पे आते हैं सबको पता होगा ना। तो चलिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी बहनें भी गुम हो गई पता नहीं। तो ये देखिए, ये सब बैठे हैं नमाज ईशा की अदायगी के लिए, हम भी यहीं बैठ जाते हैं, सुकून सा मिल जाता है मदीने में ना। और देख कर मुझे यही एक धुन याद आती है, और हमारी सिंधी में भी एक होती थी कि मैं आपको सुनाती हूँ कि लख तो ते दुरूद, लख तो ते सलाम, लख तो ते दुरूद, लख तो ते सलाम, मुझा मोहम्मद अमीर, लख तो ते दुरूद।
मुझा मदीने जमीर लख तो ते सलाम। पता नहीं आपको सिंधी में समझ आ रही होगी, जो मैं सिंधी सब्सक्राइबर हूँ तो समझ गए होंगे। अभी हम लाइन में खड़े हैं उधर जाने के लिए, तो चलते हैं। अभी हम अंदर तक आते हैं तो पहुँच रहे हैं। यहाँ तक आके अब थोड़ी सी दूर रह के हम राजा जना में जाने से। ये देखिए राजा जना में आई हूँ। अल्लाह आप सबको भी जगह पर ज़रूर बुलाएगा, मैं आप सबके लिए दुआएं। देखिए अब मैं जाऊँगी बाहर, वहाँ से ये वो झालियाँ हैं। चले हम आज हम आए हैं मैदान ओहद में, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो ये हमारे मदीने का मैदान ओहद है, जहाँ पे हज़रत हमजा का मज़ार है भी है साथ है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जबले मैदान ओहद और ये जबले ओहद है। ये माउंटेन ऑफ आर्चर्स जहाँ पे 50 तीर अंदाजों को नबी पास ने जंग ओहद में खड़ा किया था। और मेरे हस्बैंड आपको बताते रहेंगे। इस तरफ ये मस्जिद सैयद शहादा अमीर हमजा है। अभी थोड़ी देर बाद आपको हम हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के चचा थे जो शहीद हुए थे यहाँ पे, और उनका वाकया भी आपको पता है कि जो हिंदा नामी औरत थी अबू सुफियान की बीवी, उन्होंने उनकी लाश के साथ उनकी लाश की बेहरमती की थी, उनका कलेजा निकाला था, और ये सारा वाकया आपने सुना होगा। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, वो अभी आपको दिखाते हैं। और यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे कबूतर हैं, और लोग कबूतरों को दाने डाल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए, अब आगे चलते हैं हज़रत मजाक की और हज़रत हमजा की मजाक की आपको ज़्यारत करवाती हूँ। ये जी बाग है और के शहीदों की तरफ, तो ये देखिए हज़रत हमजा के सामने आपको नज़र आएगी। ये जो बीच में पत्थर लगे हुए नज़र आ रहे हैं आप, ये हज़रत अमीर हमजा जो नबी पाक सल्लम के चचा थे, ये उनका मज़ार है। ये मैदान ओहद का मरकज़ी जहाँ पे 70 बाकी 70 साहबा जो शहीद हुए थे वो जगह है। इधर मस्जिद सैयद शहादा है, यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। ऊपर खड़े किए हैं ये जबले ओहद, कितना हमजा का आते हुए यकीन नहीं आता है कि आगे की मजार पे आए, कितना बहुत बड़ा रुतबा था इनका। मेरी बहनें आई हुई हैं आज, हम यहाँ भी आए तो मेरी बहनें भी, मैंने आपको बताया था आई हैं उम्रे के लिए, तो उनको भी साथ लाएंगे। मेरी बहन है, ये मेरी बहना है और ये मेरी बेटी है छोटी सी। ये बाजी है, लेकिन हमारी बाजी उधर मुड़ के खड़ी है, बाजी कैमरा में नहीं है। थोड़ी सी शॉप्स भी बनी हुई है, ये देखिए, अगर आपको चीज़ें वीजे लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे नबी बूटी मिलती है और जिनको औलाद की नेमत नहीं, तो ये काफ़ी लोगों के जिन्होंने भी खाई है उनको औलाद हो गई है माशाल्लाह से, तो यहाँ नबी बूटी ले सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये नबी बूटी है, ये देखिए ये औद का पहाड़ है जहाँ जो सरम जी आपको बिल्कुल सामने ये जगह एक नजर आई है जहाँ पे नीचे सीमेंट लगी हुई है अंदर,
ये वही जगह जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद मुबारक शहीद हुए थे, वहाँ आपसे मैं पनाह ले लिया। जी जी, ये देखिए ये ये सर जमीन वही है जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफ़ा गुजरे होंगे, हम खुश नसीब होगा हम भी कदम कदम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के निशान। यहाँ से दूर से मैं आपको जूम शॉट करके थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखिए ये वो जगह है, ये जो पहाड़ है, सीमेंट लगी हुई अंदर पानी मिल चुका है आप लोगों को वहाँ पर, ये मदीने के लोग माशा माशा। इस तरह से कितनी बार उधर से गुजरते हो। अभी मैं आई हूँ मस्जिद क़िबला तैन में, ये देखिए यहाँ मैं अभी नमाज पढ़ूँगी शहर की, फिर हम आगे जाऊँगा। चलिए मैंने आपको मस्जिद क़िबला तैन दिखा दूँ, आपको यहाँ जाना आ रही है। ये खंदक गज़वा खंदक का इलाका है, यहाँ 7 मस्जिद हैं। एक मस्जिद ये आपको नज़र आ रही है जो मुख्तलिफ सहाबा की मस्जिद हैं, जिनमें हज़रत अली करम अल्लाह वजहू, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत सलमान फारसी, तमाम जो बड़े बड़े सहाबा हैं यही सहाबा उनके नाम की मस्जिद हैं। एक मस्जिद ये नज़र आ रही है, दूसरी इस तरफ आपको दिखेगी, ये इस गाड़ी के सामने आप ऊपर देखें ये नज़र आ रही है, ये आपको ये दिखाई देगी, ये मस्जिद मेरी उम्री के सामने। और इसके अलावा इधर भी मस्जिद देखिए, देखें सभा मस्जिद वगैरह, यहाँ 7 मस्जिदें हैं। ये गज़वा खंदक मेन जो एरिया, यहाँ इसमें मस्जिद बनी हुई है, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, जामिया खंदक लिखा हुआ, ये जामिया खंदक मदीना मौरा में। तो ये सलमान फारसी जो सहाबी थे उनके मशवरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारे सहाबा ने मिल के आप वसल्लम की कमांड में यहाँ इस इलाके के चारों तरफ खंदक खोदी थी। तो जब कुफार मुख्तलिफ ग्रुपों ने मिल के एक ग्रुप बना के हमला करने की कोशिश की, तो वो ये इस खंदक देख के बिल्कुल बौखला गए। ये सदफ भी खड़ी है ना, तो ये यहाँ पे उन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये कुफार ने जब देखा कि ये खंदक को देख के वो हैरान रह गए, और मुसलमान बग़ैर कोई बड़ी जंग की जो है अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई, और बकायदा इसका जिक्र कुरान में भी आया। तो ये है गज़वा खंदक का इलाका, यहाँ 7 मस्जिद हैं मुख्तलिफ सहाबा के नाम की मस्जिद हैं, जो अभी भी कुछ अपनी असली हालत में मौजूद हैं और प्रिजर्व की हुई हैं। मैंने कहा आपको ये मदीने का ये भी दिखा दूँ रास्ते जो हैं, ये रास्ता है यहाँ की, तो कोई बाजार है यहाँ पर, ये देखिए ये इनके पुराने तरफ के जो घर बने हुए हैं, खजूर के दरख्त भी लगे हैं। पहले हम आए थे ना मस्जिद क़िबला तैन, तो ये है मस्जिद क़बा, ये देखिए बहुत बड़ा सवाब है यहाँ पे, अगर आप 2 नफर नमाज अदा करेंगे तो यहाँ आपको पूरे पूरे उम्र का हिसाब है, पूरे उम्र का सवाब मिलेगा आपको। ये देखिए चलते हैं अंदर, यहाँ पर नमाज 2 नफर नमाज अदा करते हैं। ये जी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद क़बा। ये मेरी बेगम जा रही हैं, तो इस मस्जिद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना, कुछ सहाबा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हम जो है वो लगातार मक्का नहीं जा सकते, लगातार उमरा नहीं कर सकते, कुछ हमारी मसरूफियत रहती है या कुछ, क्योंकि मक्का का सफ़र उस टाइम आपको पता है ऊँटों पे घोड़ों पे किया जाता था और बड़ा तवील सफ़र हुआ करता था, 450 किलोमीटर है तकरीबन मक्का मदीना से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा से कहा कि तुम्हें मुबारक हो कि जो शख्स तुम में से इस मस्जिद में आके दो नफल पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको कामिल उम्रे का सवाब अता करेंगे। तो ये है मस्जिद कबा, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद। और आप देखें ये हमारे खूबसूरत सफ़र का एक, अल्लाह ताला का हम और हम दोनों मियां बीवी पर सदफ़ पर मुझे बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी हम मक्का मदीना के दरमियान रहते थे और अब हम मक्का में रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ियारात अल्लाह पाक ने हमें नसीब किए हैं, अता किए हैं। अल्लाह आप सबको भी इस अजीम मकाम की ज़ियारत अता करें। हम जहाँ भी जा रहे हैं आप शेयर करें, कल फिर और करेंगे तो कल आपको और भी शेयर करेंगे इसके साथ, जन्नत का कुआं है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं आपके साथ करेंगे शेयर, अब तो चलिए आप हमारे साथ रहिएगा इस सफ़र में। जब भी हम आ गए हैं, आगे हैं तो मस्जिद कबा के अंदर भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये अंदर का हिस्सा है, बाहर का मैंने आपको मेरे हस्बैंड ने आपको सब बता दिया है। अभी ये देखिए अंदर का हिस्सा है, अल्लाह ताला आप सबको यहाँ इसकी ज़्यादा तस्वीर बता सकते हैं। देखिए ये मस्जिद कबा का मैंने अंदर से भी दिखा है, ये भी देख लीजिए पैर से कितना खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ कबूतर बैठे हुए हैं, ये अब ये जाने का रास्ता है, अब यहाँ से हम सीधा नीचे उतर जाएंगे गाड़ी में। गाइस हम अभी आए हैं मस्जिद बिलाल, ये है सामने, मैं आपको दिखा दूँ ये मस्जिद बिलाल नज़र आ रही है। तो यहाँ एक बाज़ार है, यहाँ से मैं आपको बाज़ार में दिखाती हूँ, यहाँ से अच्छी सस्ती चीज़ें मिल जाती है, आगे आपको थोड़ी सी महंगी मिलेंगी तो यहाँ से आपको बहुत सस्ती मिल जाएंगी। चलिए हम जगह दिखाती हूँ। हाँ जी हम पहुँच गए अंदर बाज़ार में, ये देखिए बहुत ही अच्छी बाज़ार है, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये देखिए, ये देखिए आपको स्कार्फ, नमाज की शादियाँ, शॉल, उबाएँ, हर चीज़ मिलेगी आपको। ये देखिए अच्छी अच्छी है, मैं भी आगे जाके देखती हूँ, मुझे भी इसका हाउस लेने थे तो मैं भी देखती हूँ। चले अभी मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, ये देखिए, ये देखिए कितनी रौनक है। तो उसके साथ ही अब इस व्लॉग को हम एंड करती हूँ, अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इशारा दूसरा व्लॉग जो होगा दूसरी तरह तुम पे होगा। अल्लाह हाफिज़।